पूरी दुनिया की सबसे सटीक समय बताने वाली घड़ी एटॉमिक क्लॉक कितनी एक्यूरेट है, 10 लाख सालों में एक सेकंड का ही डिफरेंस आएगा, और वो भी अगर आया तो। और ये कैसे काम करती है? उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल है ये कि इसमें सीजियम का इस्तेमाल क्यों किया गया है। प्योर सीजियम के एटम दो फॉर्म में मिलते हैं, हाई एनर्जी फॉर्म और लो एनर्जी फॉर्म, और इसी का हमने फायदा उठा लिया। और वो कैसे? देखो, सबसे पहले एक ओवन में सीजियम को हीट करके सीजियम एटम की स्ट्रीम बनाई जाएगी। उसके बाद मैग्नेट की हेल्प से हाई और लो एनर्जी एटम्स को सेपरेट कर देंगे। अब लो एनर्जी एटम्स को चेंबर में से पास कराकर उस पे सीजियम रेडिएशन को बॉम्बार्ड करेंगे, जिससे वो कन्वर्ट हो जाएंगे हाई एनर्जी स्टेट में। उसके बाद एक और मैग्नेट की सहायता से हम इनका रास्ता मोड़ देंगे और इसको ले जाएंगे सीधा डिटेक्टर पर, जहां पर इनके डिटेक्शन से प्रोड्यूस होगा एक करंट और वो जाएगा कंट्रोल सिस्टम में। अब जब तक ये करंट यहां जाता रहेगा, क्वार्ट्ज ऑसिलेटर रेडिएशन प्रोड्यूस करता रहेगा और हमारी घड़ी हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। अब आपके लिए सवाल, क्या आपको पता है एटॉमिक क्लॉक के इन्वेंशन का क्रेडिट किसी भी वैज्ञानिक के पास नहीं है? तो इसे किसने बनाया था?